आपने विंडोज 11 के अंदर कोपाइलट एआई को यूज कर रखा होगा। कोपाइलट एक ऐसा टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर के अंदर एआई को यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह वर्क करता है। करंटली ये फीचर सिर्फ और सिर्फ विंडोज 11 के ऊपर अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विंडोज 10 के अंदर कोपाइलट को कैसे यूज कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। विंडोज 10 के अंदर कोपाइलट एआई को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको विंडो बटन को प्रेस करना है एंड एज ब्राउजर को ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है कोपाइलट एंड एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट कोपाइलट लिंक पे क्लिक करना है। इस पेज पे आने के बाद आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। एप्स वाले सेक्शन में आके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने इंस्टॉल का बटन आएगा, आपको इंस्टॉल बटन पे प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, अलाउ पे क्लिक कर देना है। कोपाइलट एआई आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल के लिए इसे आपको क्लोज करना है। एज ब्राउजर को भी आपको क्लोज करना है। टास्क बार में आप देख पा रहे होंगे कोपाइलट का बटन आ चुका है, आपको इसको ओपन करना है एंड इसको बिल्कुल कॉर्नर में लेके चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको साइन इन पे प्रेस करके अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद आपको एज ब्राउजर को क्लोज कर देना है एंड आपको कोपाइलट एआई को भी क्लोज कर देना है। दोबारा से आपको कोपाइलट को ओपन करना है। अब आप देख पा रहे होंगे विंडोज 10 के अंदर कोपाइलट एआई ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप अगर कुछ भी टाइप करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको इस एआई से मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर वेरीफाई एज अ ह्यूमन कर लेना है एंड देन आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह वर्क करता है। फिलहाल के लिए ये फीचर सिर्फ विंडोज 11 के लिए अवेलेबल है, बट हमने इसको विंडोज 10 में इंस्टॉल कर रखा है। इस वीडियो में हमने जाना कि आप विंडोज 10 के अंदर कोपाइलट एआई को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और बिल्कुल इजी मेथड से कोपाइलट को अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।